से किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह बेंगलुरु पहुंचकर कांग्रेस विधायकों से मिलने के लिए धरने पर जिद करके बैठ गए। और अधिकारियों के मना करने के बाद भी अपने जिद पर अड़े रहे और तो और दिग्विजय सिंह ने पुलिस अधिकारियों पर भी आरोप लगाया कि वह भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बेंगलुरु में धरने देने को लेकर कहा, मिस्टर बंठाधार एक और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह आज बेंगलुरु में कांग्रेस विधायकों से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहां बीजेपी के खिलाफ दिग्विजय सिंह धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। इधर दिग्विजय के इस एक्शन पर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब आगे क्या होगा यह तो खुदा जाने। कांग्रेस ने माचिस को भेजा है आग बुझाने। मिस्टर बंठाधार एक और पॉलिटिकल ड्रामा करने गए हैं, यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ड्रामा कर चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के गुरुग्राम जाने को लेकर भी हमला बोला है। कहा कि जब दिग्विजय सिंह गुरुग्राम भी गए थे तब भी कांग्रेस के विधायकों ने कहा था कि हमें किसी ने बंधक नहीं बनाया है। वही बेंगलुरु के विधायक भी किसी भी कांग्रेस नेता से नहीं मिलना चाहते हैं, वो किसी के दबाव में नहीं है। मिस्टर बंठाधार कांग्रेस को खत्म करके ही मानेंगे। वही बीजेपी के सत्ता में वापसी करने का दावा किया। कहा कि कांग्रेस सरकार बहुत मत खो है।